अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से जो है मुझे लेक्चर पॉज करना पड़ा जो लास्ट हम पढ़ रहे थे। बेसिकली हम स्टार्ट वहीं से करेंगे जो हम देख रहे थे लास्ट टाइम के अंदर। हम देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रेंथ एंड फिट्स के मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो है ना वो एक स्ट्रांग कल्चर बन सकता है, वो हमने आगे जाके देखना है। अभी हम देखना है कि जो ऑलरेडी कल्चर बन गया हुआ होता है वो किस तरह से स्ट्रांग होता है और वो किस तरह से, अगर तो वो ठीक है, अगर तो वो पॉजिटिव सेंस के अंदर है, एनवायरनमेंट इस तरह का प्रोवाइड किया गया है कि वो हमारे फेवर में आ रहा है, कि एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया, एक ऐसा कल्चर डेवलप कर लिया है कि वो अच्छे से काम करते हैं, सैलरीज टाइम पे दी जाती हैं, ये सारा कुछ एक पॉजिटिव सेंस में चल पड़ा है, तो ये तो हमारे लिए कल्चर अच्छा बन गया हुआ होता है। इसी तरह से अगर वो कल्चर नेगेटिवली डेवलप हो जाए, अगर वो कल्चर नेगेटिवली डेवलप होने के बाद वो स्ट्रांग हो जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें किस तरह से, डेफिनेटली हम उसको, अगर हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, अगर हमारे एम्प्लॉयज को हमने जज नहीं किया, उनको चेक नहीं किया इस सेंस के अंदर, तो एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाएगा जो कि नेगेटिवली प्रमोट करेगा और नेगेटिवली उसकी सक्सेस जो है हमारे वो सक्सेस से बियॉन्ड चला जाएगा, वो सक्सेस से दूर जाना शुरू कर देगा। ऐसा कल्चर हमें नेगेटिवली नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब मैंडेटरी स्ट्रांग कल्चर, मॉडल स्ट्रांग कल्चर, आप हमेशा याद रखेंगे कोई भी कल्चर जो होता है ना वो आदत से बेसिकली बनता है, वो हैबिट से बनता है, वो हैबिट्स को अपनाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता हैबिट्स को जब हम यूज करते रहते हैं, वो आदत को हम अपने इस्तेमाल में लेके आते रहते हैं, तो वो हमारा एक जो है ना एक स्ट्रांग एक एक्टिविटी बन जाती है। जब वो एक स्ट्रांग एक्टिविटी बनती है तो डेफिनेटली फिर वो एक स्ट्रांग कल्चर को प्रमोट करती है। ये सारी एक्टिविटीज मिलकर एक कल्चर डेवलप करती हैं। तो मतलब आप डेली बेसिस पे जाके सुबह जब 8 बजे जाते हो तो आप उनको अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें सलाम करते हो, फिर उनके साथ बैठते हो, उनसे बातें करते हो, तो ये एक आपकी रूटीन बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक कल्चर डेवलप होता है। उसके बाद उन्होंने आगे बताया अडॉप्टिव कल्चर के बारे में, एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन विच एम्प्लॉयज फोकस। अडॉप्टिव कल्चर का मतलब है कि लोग जो आपके कंपनी के जो बंदे हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो फोकस कर रहे होते हैं, अडॉप्ट करते हैं ऑन द चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग, कि कस्टमर क्या चाह रहा है। कस्टमर को कोई कंसर्न नहीं है कि आप उसे ग्रीटिंग्स करो, आप उसके साथ अच्छे से बोलो, वो चाहता है कि मेरा मसला सॉल्व करके दो, ठीक है। आप अगर बहुत अच्छे से बोलो और बहुत उसके साथ अच्छे अंदाज से बात करो, उससे डिस्कस करो जो है कि ठीक है, आप बैठे हैं, आपके लिए चाय मंगवाते हैं, ये वो सारा कुछ, वो कहेगा कि नहीं, मुझे जो प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दो। अगर आप उस सारा कुछ कर लेते हैं और उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाते तो उस सारी ग्रीटिंग्स का कोई फायदा नहीं है। वो जाके ये बताएगा कि ये लोगों से मसला तो हल होता नहीं है, तो इन लोगों की ग्रीटिंग से हमने क्या करना है। सो आपको अडॉप्टिव कल्चर का मतलब होता है कि इस तरह का कल्चर अपनाना, इस तरह का कल्चर अडॉप्ट करना, क्योंकि कस्टमर चाह रहा है, जो कस्टमर चाह रहा है कि यार इनका जो कल्चर है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो ग्रीटिंग्स भी देते हैं, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। एट द एंड आप एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं, और अगर ये पॉजिटिव माइंड सेट और अगर स्ट्रांग ऑप्टिमिस्टिक जो है आपको माइंड सेट वहां से नहीं मिलता, तो आप नेगेटिवली जाके उसके बारे में बोलते हैं, उस कंपनी के बारे में बोलते हैं, उस कंपनी के बारे में बताते हैं कि यार मैं वहां पे 2 घंटे बैठ के आया हूँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मुझे ड्रिंक का पूछा गया, मुझे रिफ्रेशमेंट दी गई, मुझे जो है एक अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर सेटिंग दी गई, मेरे साथ अच्छे से बात की गई, पर एट द एंड मेरी प्रॉब्लम नहीं की गई है, मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं की गई, तो वो आपकी 2 माइंडसेट लेके चलेगा वहां से आपके कल्चर के बारे में। एक चीज, आप जो है ग्रीटिंग्स अच्छी हैं आपकी, उनका स्टाफ अच्छा है, पर लेकिन वो नाहल है, वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाए, वो इतने स्किलफुल नहीं है, उनको ये सिखाया गया कि बात किस तरह से करनी है, पर ये नहीं सिखाया गया कि काम किस तरह से करना। सो इस तरह की चीजें आपकी डेवलप होने से शुरू हो जाएंगी आपके कल्चर के बारे में। सो आपने अपने कल्चर को इस तरह का कल्चर अडॉप्ट करना है, इस तरह का एक कल्चर बनाना है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ये चीज होती है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हों, जो कि कस्टमर चाह रहा है, कस्टमर चाह रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ठीक है यार, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, 1 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद हो जाएगी, मुझे पता है रिजॉल्व हो जाएगी,
पर लेकिन ये मेरे साथ बात किस तरह से करते हैं ये डिपेंड करता है, ये मुझे ट्रीट किस तरह से करते हैं ये डिपेंड करता है, ये मेरे साथ बात, ये मुझे जो है ग्रीटिंग सिस्टम से देते हैं ये डिपेंड करता है। तो डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें वो चाह रहे होते हैं आपसे। तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कस्टमर की माइंड परसेप्शन के अकॉर्डिंग आप उनको, आपको माइंड रीडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि मतलब ये बात करने के बाद ये बेसिकली क्या कह रहा है। डायरेक्ट वो कहता है यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे और काम है, मुझे जाना है, तो इट मीन्स दैट इसको ग्रीटिंग का कोई फायदा नहीं है। तो आपको वो जज करना है, आपका कल्चर इस तरह का डेवलप होना चाहिए कि उस बंदे को स्टडी करने के बाद, उससे बात करने के बाद ये क्लियर करें कि आपने जो चीज करनी है उसके अंदर क्या है, कि आपके कल्चर के अंदर अडॉप्टिव कल्चर में सबसे स्ट्रांग चीज क्या होती है, वो ये होती है कि आप कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनिशिएट लेते हैं, ताकि आपका एक इस तरह का कल्चर हो कि वहाँ पे लोग आएं और फंड करें उस कल्चर में रहना और वो उसको शेयर करें आगे जाके। एक्शन ऑफ फाउंडर्स एंड लीडर्स, अब किस तरह से, अब नया हमारा जो टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हम जो है अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, अपने कल्चर को बेहतर कर सकते हैं। अगर एक कल्चर इस तरह का बन चुका हुआ है, अगर एक इस तरह का कल्चर बना हुआ है कि जो बहुत स्ट्रांग हो गया हुआ है और वो नेगेटिव है, वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, तो उसको किस तरह से हमें जो है चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो अदा करता है वो आपके एक्शन ऑफ फाउंडर्स एंड लीडर्स जो बनाते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इसको बेसिकली उस किरदार को अदा कर रहे होते हैं, वो उस किरदार को जो है वो लेके चल रहे होते हैं। उन्होंने इसको चेंज करना होता है, उन्होंने कुछ एक्शन लेने होते हैं। यहाँ पे लिखा है पहली स्लाइड पहले पार्ट के अंदर, सिम्बलाइज अ न्यू कल्चर और द नीड्स ऑफ वन थ्रू मेमोरेबल इवेंट्स। कुछ ऐसी चीजें की जाए, कुछ ऐसे इवेंट्स याद करवाए जाए लोगों को, जिसकी वजह से जो है वो अपने कल्चर को चेंज करें, जो वो ऑलरेडी अडॉप्टेड कल्चर वो बना चुके हैं उसको चेंज करें, ताकि हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहे। मॉडल अ न्यू कल्चर थ्रू सबटाइल डिसीजन एंड एक्शन। अब आपने जो नया कल्चर बनाना है, जो नया कल्चर अडॉप्ट करना है, उसके लिए एक पूरा सेटअप बनाना है और वो किस तरह से आपने उसको फॉलो करवाना है, उसका एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। पहले उनको पुराने वाले के इवेंट्स दिखाएं कि जो नेगेटिव कल्चर बन चुका हुआ है, नेगेटिव कल्चर प्रमोट हो चुका हुआ है, उसको खत्म किस तरह से करना, और आफ्टर डैट नए कल्चर को इम्पोज इस तरह से करना। ये चीज़ें बेसिकली किसने करनी है, ये हमारे लीडर्स ने करनी है, हमारे फाउंडर्स ने करनी है। उसके बाद कल्चरली कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स। अब हमारे कल्चर्स के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया था, हमने काफ़ी टाइम से रिवॉर्ड नहीं दिया, तो रिवॉर्ड सिस्टम को प्रमोट करें, रिवॉर्ड सिस्टम को उसके अंदर ऐड करें, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज फॉर द कल्चरली कंसिस्टेंट बिहेवियर। क्योंकि लोगों ने रिवॉर्ड की बेस के ऊपर एक कल्चर बनाया था शुरू के अंदर, और वो बहुत अच्छा यानी कि एक कल्चर बना था, लोग उसको जो है प्रमोट करते थे, लोगों को जब रिवॉर्ड किया जाता था वो उसके ऊपर बहुत अच्छे एक्शन देते थे। तो अब वो रिवॉर्ड सिस्टम बेसिकली खत्म हो गया हुआ, तो हमें दोबारा से रिवॉर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा। रिवॉर्ड मैनेजर्स हु हेल्प्स एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड द कल्चर, इनको यानी कि इस तरह से रिवॉर्ड करना पड़ेगा कि वो मतलब आप जब सीखेंगे तो इसको आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, इस तरह से आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको एम्प्लॉयज को बतानी पड़ेंगी, ताकि एम्प्लॉयज जो हैं आपके वो एक पॉजिटिव नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव कल्चर को अडॉप्ट करें। इसके बाद सिलेक्टिंग सोशलाइजिंग एम्प्लॉयज, अब लोगों को हायर करें, इस तरह के लोगों को हायर, पीपल हूज आर वैल्यूज आर कंसिस्टेंट विद द कल्चर, इस तरह के लोगों को हायर करें जो कि एजुकेटेड हो, जो कि आसानी से आपके कल्चर के ऊपर बात करके समझ के उसको अडॉप्ट करें, ना कि ऐसे लोगों को जिनको जो कि वेल एजुकेटेड ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों और वो आसानी से आपके कल्चर को अडॉप्ट ना कर पाएं। तो इन चीज़ों को आपको हायरिंग के वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम इस तरह के बंदों को हायर करें, किस तरह की ऐसी एम्प्लॉयमेंट लेके आएँ, ऐसे लोगों को लेके आएँ क्योंकि हमारे कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे कल्चर को आसानी से अडॉप्ट करें और उसको आगे फॉरवर्ड करें। इनफॉर्म ऑफ इन डॉक्ट्राइन न्यू स्टॉक अबाउट व्हाट द कल्चर मींस, तो उनको बताएं कि बेसिकली कल्चर का मतलब क्या है। तो नई जो आपकी एम्प्लॉयमेंट आ रही होती है, जो आपका नया स्टाफ आ रहा होता है, जो आपने नई हायरिंग की हुई होती है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इनफॉर्म एंड इंडोक्ट्रिनेट है, जिसके जिसका मतलब यह होता है इन्फॉर्म एंड इंडोक्ट्रिनेट न्यू स्टाफ। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका न्यू स्टाफ आता है, जब आपके नए बंदे आते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है या डिसीजन होता है जब आपने लोगों को अपने बारे में बताना होता है, अपने कल्चर को प्रमोट करना होता है। तो नए लोग जितने भी आ रहे हैं उनको नए कल्चर से स्टार्ट करें
और लोगों पहले वाले लोगों का आहिस्ता आहिस्ता कल्चर चेंज करने की कोशिश करें ताकि आप उनका कल्चर को चेंज कर सकें। ये सारा कुछ जो है वो हायर अथॉरिटी, आपकी लीडरशिप और आपकी जो आपके फाउंडर्स होते हैं, जो कंपनी बनाने वाले होते हैं, वही इसके अंदर मेन किरदार अदा कर सकते हैं। अगर वही इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, वही इसको अडॉप्ट बड़ा स्ट्रांगली कर चुके हुए हैं, तो आपका इसको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अलाइन आर्टिफैक्ट्स, इसमें क्या शेयर स्टोरीज, आप कुछ चीज़ें शेयर करें उनसे, वही चीज़ें कि आप अपनी स्टोरीज शेयर करें जो हमने पास्ट में की थी, हमने ये अचीव किया था, वो अचीव किया था, हम इस तरह से चलते थे एंड ऑल डैट, सारा कुछ उनको बताएं ताकि वो आपके लिए नए कल्चर को डेवलप करने में हेल्प हो। सेलिब्रेट गोल्स, जब आपको गोल अचीव करते, पहले हम बहुत सेलिब्रेट करते थे, हम बहुत ज़्यादा यानी कि खुश होते थे और हम एक दिन की छुट्टी भी करते थे, यानी कि इस तरह से होता था, और हम जो है गैदरिंग करते थे एक स्टाफ की, जो है वो डिनर होता था, सारा कुछ ये करते थे हम, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया, लोगों को पता ही नहीं है दूसरे को, वो बात भी नहीं करते हैं, वो आते हैं काम करते हैं, एक अजीब सी जो है फ्रस्ट्रेशन जो है लोगों के माइंड सेट के अंदर जो है वो स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको आपको आर्टिफैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, स्टोरीज शेयर करनी पड़ती हैं, सेलिब्रेशन अगेंस्ट करनी पड़ती हैं, बिल्डिंग दैट इफेक्ट द कल्चर, और ये सारी चीज़ें जो है आपके नए कल्चर को डेवलप करने में, नए कल्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके उस कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अगेन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि नेगेटिवली बन गया हुआ है और उसको अब नीड है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो हमारे फाउंडर्स या लीडर्स प्ले करते हैं, जिसके अंदर वो दिखाया गया है। ये चार चीज़ें जो हैं वो अगर हम इम्प्लाई करते हैं, वो अगर हम इसके ऊपर लगा दें, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें दोबारा से नेगेटिव कल्चर से, जो कि एक इस्टेब्लिश हो गया हुआ, एक बन गया हुआ है, वहाँ से हम इन पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो लीडर्स का और फाउंडर्स का होता है, क्योंकि आपको उससे निकाल के लेके आते हैं। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड सोशलाइजिंग एम्प्लॉयज, अब लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ना, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न्स द वैल्यू, ये वो प्रोसेस होता है, ये वो तरीका होता है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों को दोबारा से सिखाना स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टिंग बिहेवियर और अपने रिक्वायर्ड बिहेवियर कौन से लेना चाह रहे होते हैं, कि ये वाला बिहेवियर हमें चाहिए आपसे, ये वाला बिहेवियर हम आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। एंड सोशलाइज नॉलेज नेसेसरी टू अज्यूम देयर रूल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हम उन्हें हम बता रहे होते हैं कि हम आप हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपसे ये स्पेसिफिकली जो है वो लेना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली ये बिहेवियर हम आपसे अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, आप में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और आपका ये जो है एक्टिविटीज होंगी, ये आपने परफॉर्म करना ताकि आपका रिक्वायर्ड बिहेवियर हमें मिले और एक नया सिस्टम डेवलप हो, एक नया कल्चर डेवलप हो, एक नया जो है कंपनी का की एक शेप बने, जिसकी वजह से हम बेटरमेंट की तरफ जा सकें। ये वही करती हैं कंपनी जो लॉन्ग टर्म चलना चाह रही होती हैं, जिनका एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक बहुत बड़ा विजन लेके आती हैं। छोटी कंपनीज के अंदर आपको बहुत कम ये मिलेगा, पर लेकिन बड़ी कंपनीज के अंदर एक स्पेसिफिकली ये चीज़ को फॉलो किया जा रहा होता है, कल्चर डेवलप किया जा रहा होता है, एक कल्चर को थारोली देखा जा रहा होता है और उसके ऊपर स्टडी की जा रही होती है, उसके वीक पॉइंट्स पे काम किया जा रहा होता है, उसके पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बात की जा रही होती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द बिग कंपनीज, फॉर द लॉन्ग टर्म एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट बताया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब दो कंपनियां मिलती हैं, जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं, यहाँ टॉपिक का नाम है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ड्यूरिंग मर्जर्स, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर लेती है, उसका 800 एम्प्लॉयज है, इसका जो है 1300 एम्प्लॉयज है, दोनों मिलकर जो है 2100 का जो है 2100 की एक कंपनी बना रहे हैं और बड़ी हो रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक मर्जर क्रिएट कर रहे हैं। मर्जर का मतलब होता है जब दो कंपनीज मिल जाती हैं, जब दो मिलकर एक बन जाता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमने इतना टाइम लगा के एक बनाया है, क्या चीज़ बनाई है, हमने एक कल्चर बनाया और वो कंपनी का इतना स्ट्रांग कल्चर नहीं, जो भी है हम कह सकते हैं कि हम क्यों उनका अडॉप्ट करें। तो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे राइज होते हैं कि क्या हमें उनका कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, एक तो क्वेश्चन ये है, क्या हमें जो है उनको अपने कल्चर के अंदर लेके आना चाहिए, या फिर हमें दोनों को ख़त्म करके एक कल्चर बना देना चाहिए। तो डिफरेंट क्वेश्चन राइज होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, अब हम जो 10 साल से कल्चर डेवलप कर चुके हैं, अब हमें इसको किस सेंस में लेकर चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप क्या करते हो, जब आप का मर्जर हो रहा होता है, अब
बाई कल्चरल ऑडिट, इसमें लिखा गया द प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोजिंग कल्चर रिलेटिंग बिटवीन कंपनीज, कंपनीज के दरमियान में जो ऐसा कल्चर डेवलप होता है, एंड डिटरमिंग द कंटेंट एक्सटेंड टू विच कल्चर क्लैशेज लाइक दिया था। अब वहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जब अब दो कंपनियाँ मर्ज करती हैं, जब दो कंपनियाँ मिलती हैं, तो किस तरह से एक कंपनी अपना कल्चर छोड़ती है और दूसरी कंपनी का अडॉप्ट करती है, या फिर किस तरह से वो अपने वाले के ऊपर ही दूसरी वाली कंपनी को लेके आती है, या फिर दोनों ही दूसरे को खत्म करके उसको स्टार्ट करती है एक नए के साथ। तो इससे रिलेटेड चार पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करें, ताकि हमें इसके बारे में, मर्जर्स के बारे में क्या होता है वो हमें बात पता लग जाए। तो ये लास्ट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है एक्वायर्ड कंपनी, जो कंपनी एक्वायर होती है, एम्ब्रेस इंक्वायरिंग फर्म्स कल्चर। आप क्या करते हो, सिंपली अपने कल्चर के अंदर उनको लेके आते हो, एक कल्चर बनाते हो उनके, उनको अपने कल्चर, आप उनका कल्चर हो या एक्वायर करते हो, जिसको जिसके साथ आप जा रहे होते हो, जिसके साथ मिल रहे होते हो, आप कहते हो कि ठीक है हम आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कल्चर अडॉप्ट करेंगे, हमारे 500 एम्प्लॉयज थे, आपके 1300 एम्प्लॉयज थे, तो हमारा कल्चर जो है अब वो लेस स्ट्रांग है, हमें 3 साल कंपनी चलाते हुए हैं, आपको 8 साल हो गए हैं, आपका कल्चर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप हमें एक्वायर कर रहे हो, आप हम छोटी कंपनी है, तो ये एक सिंपल सा डिसीजन है, इसमें कोई यानी कि वो इस तरह का लड़ने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है कि हम ये कर पाएं कि नहीं हमें अपना कल्चर अडॉप्ट करवाना है, हम आपका क्यों कल्चर अडॉप्ट करें। एक क्लियरली बात है जब दोनों के को फाउंडर्स मिलते हैं और बात करते हैं कि आपको 8 साल हो चुके हैं, आपका एक पॉजिटिव जो है इमेज है कंपनी के अंदर, मार्केट के अंदर, तो आप की टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, आपका कल्चर स्ट्रांग है और पॉजिटिव भी है, हमारा कुछ जो है पॉजिटिव तो है पर लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है उसकी मार्केट के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि हम अपना कल्चर छोड़ के आपके कल्चर को, हमारे 500 एम्प्लॉयज आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जो आपकी जो कंपनी का जो सारा कल्चर है उसको अडॉप्ट करेंगे और उसके आगे आगे प्रोसीड करेंगे। इसी तरह से डीकल्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कल्चर को बिल्कुल छोड़ देना। एक तो होता है कि वो रिक्वायर किया जाता है, थोड़ा बहुत उसको डाला जाता है, उस तरह से चलाया जाता है उसका, दूसरे का मतलब होता है कि बिल्कुल ही छोड़ देना, दूसरे को मानना ही नहीं, दूसरे को कहना कि डीकल्चराइजेशन का मतलब होता है कि हम आपका कल्चर मानेंगे ही नहीं, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं होता। एक्वायरिंग फर्म इम्पोजेज इट्स कल्चर ऑन द अनविलिंग एक्वायरिंग फर्म, आप अपना जो कल्चर होता है उसको थोपने की कोशिश कर रहे होते हो, आप कहना चाह रहे होते हो कि ये जो हमारा कल्चर है यही सब कुछ है, आपका कल्चर जो है वो हमें नहीं पता क्या है, पर लेकिन जो हमारा कल्चर है आपको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, दूसरी फर्म कह रही है हमारा कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये एक नेगेटिव पार्ट होता है। आप अपना कल्चर, आप ये भी कह सकते हो कि आप अपना करें हम अपना करते हैं, इस तरह से आप चल नहीं सकते, किसी एक किसी कल्चर को अडॉप्ट किया जाएगा और चला जाएगा, इसके अंदर बेसिकली आप अपना कल्चर जो है उस पर थोप रहे होते हैं, जो कि एक नेगेटिव फॉर्म बनाता है। अब यहाँ पे वो वर्क बेस्ट मैन में लिख रहा है, रिवाइवलरी वर्क्स मे बी नेसेसरी ओनली व्हेन द एक्वायर्ड फर्म्स एक्वायर्ड डज नॉट वर्क एम्प्लॉयज डोंट रियलाइज दैट। तो इसका मतलब है कि वो जो मैं आपको बात की है कि वो अपनी कल्चर को जो है वो थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों मिल जाते हैं, कुछ आप अपनी छोड़ दें, कुछ हम अपनी छोड़ देते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा अपना कल्चर छोड़ते हैं, हम अपना पूरा का पूरा कल्चर छोड़ जाते हैं, एक नया कल्चर बनाते हैं मिलकर। जब हम जब से मिले हैं उस टाइम के बाद से हम एक नया कल्चर डेवलप करते हैं, एक नए कल्चर के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं और उस कल्चर को आगे से प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि ना हम एसिमिलेशन में जाते हैं ना हम डीकल्चराइजेशन में जाते हैं, इन दोनों को हम छोड़ के हम एक नया कल्चर डेवलप करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। के मतलब हम एक ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे जो ना आपका होगा ना जो ना हमारा होगा, जब से हमारा मर्जर हुआ है, जब से हमने कंपनीज को ज्वाइन किया है उसके बाद से हमें कल्चर डेवलप करेंगे जो कि दोनों का होगा। उसके बाद सेपरेशन, मर्जिंग कंपनीज रिमेन डिस्टिंक्ट एंटिटीज विद मिनिमल एक्सचेंज ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। इसमें क्या है सेपरेशन, ये सिंपल आप अपना करें और आप अपना करें, हम अपना करते हैं, पर लेकिन सबसे जो है नेगेटिवली यही होता है कि एक ही तो उसके अंदर दो कल्चर बन रहे होते हैं, दो माइंड सेट जो है कोई भी कस्टमर जो है वो यहाँ से लेके जा रहा होता है। तो सबसे स्ट्रांग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक एसिमिलेशन है और एक इंटीग्रेशन है।
इंटीग्रेशन में बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको दोबारा से बनाना पड़ता है जो ऑलरेडी कल्चर उन्होंने 5 साल 10 साल लगा कर बनाया होता है, वो ख़त्म करना पड़ता है एकदम से दोनों कंपनीज को, और उनको एक इंटीग्रेशन करके एक नए कल्चर को डेवलप करना पड़ता है। पर ये डिपेंड करता है कि वो आप कितनी जल्दी इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ऑल डैट। इसके बाद एसिमिलेशन में सबसे होता है कि कुछ कंपनी के कुछ जो पार्ट्स हैं, मतलब अब हम 800 उनके थे 300 हमारे थे, तो 300 को सिर्फ सीखना पड़ेगा उनका कल्चर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेटर हो जाएंगे, बल्कि आपके 800 को वो कल्चर पता है कि वो कल्चर क्या है। तो सबसे बेस्ट जो है वो एसिमिलेशन होता है। होप्स हो कि आपको समय तो आ गया होगा, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है। चैप्टर छोटा है ये, पर लेकिन चैप्टर जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल है। इसके अंदर जो है आपको बात ज़्यादा करनी पड़ती है समझने के लिए, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी इसकी। इसके अंदर डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, डेफिनेशन कम है, इसके अंदर रीडिंग ज़्यादा है। तो आपके पास टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, कोशिश करें कि ऐसा ऐसा बुक सामने रखें और उसके साथ स्टडी करके रीड आउट करके इसको समझें, ताकि आपको बात समझ आना स्टार्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा 9 चैप्टर रहता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के अंदर क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।